देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर मंदिरों में देखा यह जा रहा है भक्तों की कतार लगी है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्री कृष्ण की पूजा के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी है। हिमाचल में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिमला, नाहन, पालमपुर, कुल्लू, मनाली में श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिरों में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। कृष्णा के आगमन पर भक्तों में उत्साह, मंदिरों को सजाया गया के, झूले पर नंद गोपाल को बैठाया गया के, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, झूला नंद गोपाल को झुला रहे हैं। आज के दिन एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में और रात के 12 बजे होता है। उसी के उपलक्ष में यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर पालमपुर में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जाता है। इसमें रात को 4 बजे से रात 12 बजे तक संध्या भजन किया जाता है। उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है, भगवान कृष्ण जी का जन्म मनाया जाता है और साथ में भंडारे का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, हमारे जो संस्था है इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मित्र संघ, उसके माध्यम से आज यहाँ मनाली में कुछ दिनों पहले यहाँ मनाली में जगन्नाथ रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया था। उसी संदर्भ को आगे बढ़ते हुए आज जन्माष्टमी का महामहोत्सव आ रहा है। जन्माष्टमी तो हमारी कल है, व्रत त्योहार कल है, लेकिन एक दिन पहले यहाँ के लोगों को जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए इस्कॉन संस्था के द्वारा ये प्रयास किया गया है। और मनाली में मैं समझता हूँ कि इस्कॉन संस्था के द्वारा पहली बार ऐसा प्रयास किया गया है कि हमारी मॉल रोड पे, मैं प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा कि एसडीएम मनाली के सौजन्य से हमें ये स्थान के द्वारा दिया गया। और हमारे जो भक्तगण है यहाँ, दिग्विजय जी है, कश्मीर कौल जी है और हमारे जितने भी कुल्लू के भी सारे भक्त है, वो सब हम कुल्लू में तो त्यौहार करते ही रहते हैं और हमारा कल कुल्लू में मुंतर में त्यौहार जन्माष्टमी का है भी। हरे कृष्णा। सबसे पहले इस्कॉन के भक्तों की तरफ से सभी दर्शकों को इस पावन जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वर्ष इस्कॉन ने पहली बार मनाली शहर में ये जन्माष्टमी उत्सव को सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे भक्त आएंगे और हमारे भक्तों ने बहुत तैयारी की हुई है। इसमें हम नाटक भी प्रस्तुत करेंगे और हरि नाम संकीर्तन भी आपके सम्मुख लगातार जारी रहेगा और साथ में भगवान का यहाँ अभिषेक भी किया जाएगा और लास्ट में हम सभी दर्शकों को, सभी श्रद्धालुओं को प्रसादम की व्यवस्था भी रखी गई है।